नमस्कार। आज का व्याख्यान बिचौलिया किसान आंदोलन का तीसरा और अंतिम व्याख्यान है। इससे पहले के दो व्याख्यानों में हम इसके प्रारंभ होने की परिस्थितियों और 1923 तक इसके विकास का अध्ययन कर चुके हैं। हमने देखा कि 1922 में राजस्थान के एजेंट टू दी गवर्नर जनरल हॉलैंड की मध्यस्थता से बिजोलिया के किसानों का बिजोलिया के जागीरदार के साथ एक समझौता संपन्न हुआ, जिसमें किसानों की अनेक मांगे मानी गई। 35 लाख बागे खत्म की गई, भूमि कर कम कर दिया गया और ये व्यवस्था की गई कि एक सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त करके बिजोलिया के जागीर का भू राजस्व प्रबंधन किया जाएगा, जो कि किसानों के लिए लाभदायक होगा। इस तरह से 1922 में बिजौलिया के किसानों को लगा कि उन्होंने अपने आंदोलन के संदर्भ में एक जीत प्राप्त कर ली है, लेकिन ऐसा खुशनुमा एहसास बिजौलिया के किसानों का अधिक समय तक नहीं चला। जैसा कि आपने देखा इससे पूर्व के व्याख्यान में कि 1922 का समझौता करने के पीछे ब्रिटिश सरकार को जो डर था वह यह था कि कहीं बिजोलिया का आंदोलन भारत के असहयोग आंदोलन के साथ ना जुड़ जाए, इसलिए उन्होंने महाराणा के माध्यम से इस समझौते को क्रियान्वित कराने में अपनी मध्यस्थ भूमिका निभाई। जैसे ही 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, न ब्रिटिश सरकार की रुचि थी, न मेवाड़ की सरकार की और न बिजोलिया के ठिकाने की कि उस समझौते का क्या हश्र होता है। फलस्वरूप भूमि कर और लाग बाग पुराने तरीके से ही चलते रहे। 1923 से 1926 के मध्य अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण किसानों की फसलें बिगड़ी और उनकी हालत और अधिक खराब हुई। ट्रेंच कमीशन, जिसका कि वायदा 1922 के समझौते में किया गया था कि एक सेटलमेंट ऑफिसर को अपॉइंट करके नया भू राजस्व प्रबंध किया जाएगा, वह 1927 में अपॉइंट हुए, जिन्होंने नया भू राजस्व बंदोबस्त किया, जिसमें असिंचित भूमि यानी माल भूमि के भू राजस्व की कर बहुत ऊंची रखी गई। इसके बनिस्पत सिंचित भूमि के भूमि कर की दर कम रखी गई, क्योंकि मुख्यतया भूमि असिंचित या माल ही होती है, तो इससे बिजोलिया के किसानों का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होने वाला था, जिसके कारण किसानों में असंतोष पनपा और बिजोलिया किसान पंचायत ने यह तय किया कि माल भूमि जिसके भू राजस्व की दर ट्रेंच सेटलमेंट में बहुत अधिक रखी गई थी, उसको त्याग दिया जाए। उन्हें यह अनुभव हुआ कि अगर बड़े पैमाने पर माल की भूमि को किसान नहीं जोतेंगे तो उस भूमि को लेने वाले दूसरे किसान ठिकाने को नहीं मिलेंगे और ठिकाने को मजबूर होकर भू राजस्व की दरों को कम करना होगा। इसलिए
पंचायत ने अपने नेताओं राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा के निर्देशन में इस तरह का निर्णय लिया। विजय सिंह पथिक, जो इस आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता थे, को बेगू किसान आंदोलन के संदर्भ में, बेगू भी मेवाड़ राज्य की एक रियासत थी जिसमें बिजोलिया में प्रारंभ होने के बाद किसान आंदोलन चल पड़ा था। बेगू आंदोलन के सिलसिले में विजय सिंह पथिक को सजा हो गई 3.5 साल के लिए और रिहा होने के बाद उनका मेवाड़ की रियासत में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। इसलिए वह ग्वालियर में खुसरिया गांव में उस समय रह रहे थे। अतः अंतिम स्वीकृति के तौर पर विजय सिंह पथिक से खुसरिया में संपर्क किया गया और उनकी स्वीकृति प्राप्त करके माल भूमि का परित्याग करने का अंतिम निर्णय बिजोलिया किसान पंचायत ने लिया। बिजोलिया के किसानों को अपनी जमीनों को सामूहिक रूप से ठिकाने को समर्पित करना था, लेकिन ट्रेंच ने उन्हें इस चाल में फंसा लिया कि वे सामूहिक रूप से अपनी जमीन का त्याग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जमीन प्रत्येक किसान की व्यक्तिगत है। इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपनी जमीनों का परित्याग करना होगा और किसानों के से होने वाली यह एक बड़ी गलती थी। अगर वो सामूहिक रूप से परित्याग करते तो वह उनके प्रतिरोध का प्रतीक मानी जाती। व्यक्तिगत रूप से अपनी जमीन ठिकाने को दे देने के कारण प्रत्येक किसान को उसे खो देने का भय उत्पन्न हुआ और यह भय तब साकार हो गया जबकि उनकी जमीनों को लेने के लिए नए किसान मिल गए जिन्हें वह जोतने के लिए दे दी गई। इस तरह से बिजोलिया के किसान एक बड़ी कठिनाई में फंस गए। जमीनें उनके हाथ से निकल गई जिसके फलस्वरूप उनके पास अपने जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं बचा। ऐसी कड़ी परिस्थिति में बिजोलिया किसान आंदोलन के नेताओं के मध्य मतभेद उभरे। रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के बीच मतभेद उभरे और अंततः उन दोनों ने ही स्वयं को बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व से हटा लिया। राजस्थान सेवा संघ के 1919 में विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में गठित होने के साथ ही रामनारायण चौधरी भी उससे एक कार्यकर्ता या सचिव के रूप में जुड़े थे। रामनारायण चौधरी और उनकी पत्नी अंजना देवी बिजोलिया किसान आंदोलन में बिजोलिया में रहकर कार्य कर रहे थे। ये माणिक्यलाल वर्मा, प्रेमचंद भील, भंवरलाल स्वर्णकार की तरह बिजोलिया क्षेत्र से न आकर राजस्थान के सीकर क्षेत्र से आते थे। रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक दोनों ने ही अपने आप को बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग कर लिया जिससे बिजोलिया किसान आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। राजस्थान सेवा संघ का विघटन धीरे धीरे होने लगा। इस तरह से जबकि किसान अपने संघर्ष के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, उसी समय इस आंदोलन का नेतृत्व भी बिखर गया। इस समय माणिक्यलाल वर्मा ने जमनालाल बजाज से संपर्क किया। जमनालाल बजाज के अंतर्गत अजमेर के हरिभाव उपाध्याय ने इस आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया। उन्होंने मेवाड़ के दीवान सर सुखदेव प्रसाद से ट्रेंच से किसानों को उनकी जमीनें वापस देने के बारे में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मेवाड़ दरबार के कड़े रवैये का सामना उन्हें करना पड़ा और उनका मेवाड़ में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। फलस्वरूप अजमेर से गुप्त पत्रों के माध्यम से माणिक्यलाल वर्मा और उनकी गिरफ्तारी के पश्चात उनकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा हरिभाव उपाध्याय से नेतृत्व के
नेतृत्व के निर्देश प्राप्त करते रहे और इस तरह से बिजोलिया का किसान आंदोलन आगे बढ़ा, क्योंकि किसानों की जमीनें उनके हाथों से जा चुकी थी, जिन्हें प्राप्त करना उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। इसलिए शांतिपूर्ण उपाय जो जमीनें प्राप्त करने के लिए हरिभाऊ उपाध्याय के माध्यम से किए गए अथवा मदन मोहन मालवीय के पुत्र रमाकांत मालवीय के माध्यम से किए गए, उनके असफल होने के पश्चात किसानों ने सत्याग्रह करने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जमीनें उन्हें नहीं लौटाई जाएंगी तो 1931 की अक्षय तृतीया को, जो कि 21 अप्रैल 1931 को होगी, को वे अपने खेतों पर हल चलाकर जमीन का अधिग्रहण करेंगे। फलस्वरूप बड़ी संख्या में किसानों ने उन जमीनों पर हल चलाए जो उन्होंने ठिकाने को त्याग दी थी। ठिकाने की तरफ से पुलिस, सेना, ठिकाने के अधिकारी कर्मचारी, इसके अलावा नए किसानों की तरफ से पुराने किसानों को दमन झेलना पड़ा। करीब 200 किसान गिरफ्तार कर लिए गए, माणिक्यलाल वर्मा भी गिरफ्तार कर लिए गए और इस तरह आंदोलन चला। बिजोलिया के किसानों पर जो ज्यादतियां हो रही थी उनकी सूचना हरिभाऊ उपाध्याय के माध्यम से गांधी को मिली। गांधी ने कुछ अपने सहयोगियों को निर्देशित किया कि वो इस मामले में उदयपुर के महाराणा से बात करें। फलस्वरूप मदन मोहन मालवीय ने मेवाड़ के दीवान सर सुखदेव प्रसाद को किसानों की समस्या के निराकरण के संबंध में पत्र लिखा। सर सुखदेव प्रसाद ने सेठ जमनालाल बजाज को उदयपुर आमंत्रित किया। दोनों की बातचीत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद ने जमनालाल बजाज को यह आश्वासन दिया कि 1922 के समझौते की भी पालना की जाएगी और किसानों को उनकी जमीनें भी लौटा दी जाएंगी। किसान रिहा तो कर दिए गए, लेकिन राज्य ने उनकी जमीनों को लौटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए और स्थिति जस की तस बनी रही। ऐसा 1938 तक चला, जबकि माणिक्यलाल वर्मा, जिनको कि बिचौलिया किसान आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, बाद में रिहा होने के पश्चात उन्हें मेवाड़ से निर्वासित कर दिया गया था। वो स्वास्थ्य कारणों से रिहा हुए और पुनः मेवाड़ में आए और मेवाड़ प्रजामंडल की 1938 अप्रैल में स्थापना की। स्थापना करने के तुरंत पश्चात मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप मेवाड़ प्रजामंडल ने एक सत्याग्रह शुरू किया। मेवाड़ की सरकार को यह भय हुआ कि अगर बिजोलिया के किसान मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा चलाए जा रहे इस सत्याग्रह से जुड़ जाते हैं तो यह सत्याग्रह बहुत शक्ति प्राप्त कर लेगा। इसलिए उसने बिजोलिया के किसानों के प्रति एक नरम रुख अपनाया और बिजोलिया के किसान पंचायत ने भी अपनी तात्कालिक समस्याओं को देखते हुए अपनी बैठक में 24 नवंबर 1938 को यह प्रस्ताव पारित किया कि वे मेवाड़ प्रजामंडल के आंदोलन से अपने आप को अलग रखेंगे। ऐसा ही नहीं, एक दूसरे प्रस्ताव के द्वारा उन्होंने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि न केवल वर्तमान सत्याग्रह से वरन मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाले किसी भी सत्याग्रह से वे स्वयं को अलग रखेंगे। अगर उन्हें उनकी माल की जमीनें लौटा दी जाती है, मेवाड़ दरबार ने अब किसानों को उनकी माल की जमीनें लौटाने के लिए कार्यवाहियां करना प्रारंभ किया। 1939 से लगाकर 1941 के मध्य अधिकतर किसानों की जमीनें
लौटा दी गई। इस तरह 1941 में एक लंबे दौर के बाद बिजोलिया के किसान आंदोलन की समाप्ति हुई, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अंततः बिजोलिया के किसानों की विजय हुई। इस तरह से राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, जो कि 1897 में प्रारंभ हुआ था, 1941 में अपनी समाप्ति पर पहुंचा। इस आंदोलन में किसानों ने अप्रतिम साहस का प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें अपनी जमीनों से, अपनी संपत्तियों से वंचित होना पड़ा। उन्हें जेल और राज्य के दमन का सामना करना पड़ा। इस तरह की चोटें उन्होंने खाई, शारीरिक और मानसिक तौर पर, जो उन्हें उम्र भर सबक देने वाली थी। और इसी कारण से, जबकि इन सब यातनाओं के उपरांत उन्होंने अहिंसक तरीके से इस आंदोलन को चलाया, इस बात ने ही बिजोलिया के किसान आंदोलन को वह प्रसिद्धि दी जो इसे प्राप्त है। बीच में ऐसा भी दौर आया जबकि ये किसान अपने नेतृत्व से वंचित हो गए। अपने आपसी मतभेदों के कारण इनका नेतृत्व इस आंदोलन से विलग हो गया। नेतृत्व की एक खामी यह भी मानी जाती है कि वो इस आंदोलन के प्रति मेवाड़ की सरकार के रुख को सही तरह से नहीं समझ सके। जैसे कि 1922 के समझौते को उन्होंने अपनी जीत मान लिया, जबकि 1922 का समझौता अंग्रेजी सरकार की मजबूरियों का परिणाम था, और वह मजबूरी थी बिजोलिया किसान आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जुड़ने से रोकना। जैसे ही यह मजबूरी समाप्त हुई, 1922 के समझौते के प्रति सबकी रुचि, किसानों के अलावा सबकी रुचि समाप्त हो गई और उसका क्रियान्वयन अधर में लटक गया। फलस्वरूप किसान, जो कि एक बड़ी गलती कर चुके थे, अपने माल की जमीनों के को त्याग करके उन जमीनों को प्राप्त करना ही अब उनके आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य रह गया। उसमें भी उन्हें 1938 तक सफलता नहीं मिली, बावजूद इसके कि राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, जमना लाल बजाज जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने किसानों के फेवर में महाराणा की सरकार को झुकाने का प्रयास किया, लेकिन मेवाड़ की सरकार केवल उसी समय झुकी जबकि दोबारा वो मजबूरी में फंसी। और यह मजबूरी उनकी यह थी कि जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई, तब किसानों को मेवाड़ प्रजामंडल से अलग रखना उनके लिए सर्व प्रमुख उद्देश्य बन गया, और इसके लिए उन्हें किसानों को कुछ सहूलियतें देना जरूरी था। और ये सहूलियतें उन्होंने उनकी उन जमीनों को लौटा कर दी जो उनकी स्वयं की जमीनें ही थी। इस तरह अल्टीमेटली बिजोलिया के किसान आंदोलन ने, बिजोलिया के किसानों ने अपनी जमीनें वापस प्राप्त की और उनके आंदोलन की समाप्ति हुई। इस तरह से राजस्थान का पहला संगठित अहिंसक किसान आंदोलन बिजोलिया में हुआ, जिससे महात्मा गांधी का संपर्क हुआ। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम को यहाँ पर लागू किया गया। खादी का पहला प्रयोग राजस्थान में बिजोलिया में ही हुआ। इसके अलावा जो महिलाएं यहाँ पर जुड़ी, जैसे कि नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी चौधरी, उन्होंने महिलाओं के मध्य महिलाओं को शिक्षित करने तथा दूसरे तरह के बुराइयों से दूर करने के लिए महिलाओं के मध्य कार्य किया। इस तरह से बिजोलिया प्रथम वह क्षेत्र बना राजस्थान में जहां पर महात्मा गांधी के 15 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम का सूत्रपात हुआ। जिन महिलाओं ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, वो
भविष्य में होने वाले आंदोलनों में महिलाओं के भाग लेने की पृष्ठभूमि बनी। न केवल इन महिलाओं ने आगे होने वाले प्रजामंडल आंदोलनों में भाग लिया, वरन इनकी प्रेरणा से अनेक महिलाएं राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी और राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपने भूमिका से नए आयाम जोड़े। और जो राजनीतिक जागृति बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण मेवाड़ में आई, वह 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का आधार भी बनी। माणिक्यलाल वर्मा, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ने ही 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। यद्यपि बिजोलिया के किसान अपने हितों के कारण मेवाड़ प्रजामंडल से अलग हो गए और मेवाड़ प्रजामंडल भविष्य में उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयत्न करता रहा। इस तरह से राजस्थान के एक बड़े आंदोलन, जिसे कि प्रथम संगठित अहिंसक आंदोलन कहा जाता है, जो 1897 में प्रारंभ हुआ था, अनेक दौरों से गुजरा, अपने कठिनतम दौर से गुजरा, लेकिन अंततः वह सफल रहा। 1941 में किसानों द्वारा अपनी जमीनें पुनः प्राप्त कर लेने के उपरांत बिजौलिया किसान आंदोलन की सफलतापूर्वक समाप्ति हुई। लेकिन इससे पहले बिजौलिया का किसान आंदोलन इतिहास रच चुका था। वह न केवल स्वयं उदाहरण बना, बल्कि मेवाड़ की अन्य रियासतों में होने वाले किसान आंदोलनों के लिए प्रेरक भी साबित हुआ। धन्यवाद।